हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक डेनिम जैकेट, वो भी ओल्ड जीन्स से। तो इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ओल्ड जीन्स से डेनिम जैकेट बनाना बताया था, जिसे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। पर मैंने उसमें स्लीवलेस जैकेट बनाना बताया था। तो कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि हम जैकेट में स्लीव्स कैसे अटैच कर सकते हैं, और साथ ही उस वीडियो में कुछ लोगों को कई चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक और वीडियो बनाऊं जिसमें मैं ये सब कुछ कवर करूं, ताकि आप लोग और अच्छे से समझ पाओ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये दो जीन्स, और जैसा कि आप देख सकते हो इन दोनों जीन्स के कलर एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हैं, तो मुझे उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं जीन्स के सिलाई को खोलूँगी ताकि मुझे पैटर्न्स कट करने के लिए फ्लैट फैब्रिक मिल सके। साथ ही मैं पॉकेट्स को भी रिमूव कर दूँगी। मैंने एक तरफ की सिलाई खोल दी है, अब हम इसे आयरन कर देंगे ताकि ये सीधा हो जाए। अब जितना भी फैब्रिक हमारा जीन्स में है उसे मैं इस तरह से कट कर लूँगी। सेम तरीके से मैंने दूसरे जीन्स की भी सिलाई खोल दी है। तो ये है हमारा डेनिम जैकेट का पैटर्न। इस पैटर्न को बनाने का वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक कर सकते हैं, या फिर आई बटन को क्लिक करके भी आप वीडियो तक जा सकते हैं। अब इन पैटर्न्स को जीन्स में अच्छे से अरेंज करते हुए सारे पीसेस को कट कर लें। तो सारे पीसेस को मैंने कट कर लिया है, और जैसे कि आप देख सकते हो कुछ पीसेस को मैंने डार्क कलर के फैब्रिक से कट किया है और कुछ पीसेस को मैंने लाइट कलर के फैब्रिक से कट किया है। तो ये है हमारा स्लीव का पैटर्न। अब यहाँ पर जो हमने लाइन खींची है इसे हम इस तरह से कट कर देंगे।
स्लीव्स में भी मैं दोनों कलर्स को यूज करने वाली हूँ जैसे हमने जैकेट में किया है, पर अगर आप चाहें तो सिर्फ एक कलर के फैब्रिक से ही स्लीव्स को कट कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा करते हो तो आपको स्लीव्स के दोनों साइड में कट करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक ही साइड में कट करें। अब ये जो हमारा कफ वाला एरिया है, यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक की जरूरत होगी फोल्ड करने के लिए। तो इस तरह से मैंने पेपर को आगे बढ़ा दिया है, जिसमें एक तरफ मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है और एक तरफ 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, और इसकी लंबाई मैंने ली है 3.5 इंच। अब इसे भी रखकर फैब्रिक को इस तरह से कट कर लें। तो कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है, अब हम चलते हैं स्टिचिंग की ओर। तो इन पीसेस को हम कुछ इस तरह से जॉइंट करेंगे। सबसे पहले हम एक फैब्रिक को इस तरह से उल्टा कर देंगे। अब दूसरे फैब्रिक को इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और आगे की तरफ 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ देंगे। अब इसके ऊपर सिलाई लगा दें। इसे स्टिच करने के लिए मैं इस धागे का इस्तेमाल करने वाली हूँ। ये वही धागा है जो जीन्स के कपड़ों में इस्तेमाल किया जाता है। ये नॉर्मल धागे से थोड़ा सा मोटा होता है और इसमें एक शाइन भी होती है। तो मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। इसमें एक तरफ मैंने नॉर्मल धागे का इस्तेमाल किया है और दूसरी तरफ मैंने उस मोटे धागे का इस्तेमाल किया है। अब हम दूसरी तरफ के फैब्रिक को भी सेम तरीके से अटैच कर देंगे। इसे अटैच करने के बाद यहाँ पर जो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह से स्टिच कर दें। स्टिच करने के बाद ये कुछ ऐसा लगेगा। इस तरीके से स्टिच करने से ये अंदर और बाहर दोनों तरफ से बिल्कुल क्लीन रहता है। अब यहाँ पर पॉकेट के लिए मैंने 1/2 इंच नीचे की तरफ इस तरह से कट किया है। अब मैंने फैब्रिक का एक पीस लिया है और इसे इसके नीचे इस तरह से रखें और यहाँ पर सिलाई लगा दें। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दें और कोनों में भी छोटे छोटे कट्स लगा दें। अब फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड कर दें और ऊपर से एक टॉप स्टिच लगा दें। अब हम इसका फ्लैप बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे फ्लैप का डिजाइन ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसमें स्टिच कर देंगे। स्टिच करने के बाद इसी शेप में इसे कट कर लें। अब इसके कोनों को काट दें ताकि इसे फोल्ड करने में आसानी हो। और अब इसे फोल्ड कर दें। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा दें। तो फ्लैप हमारा पॉकेट के ऊपर कुछ इस तरह से आएगा, पर इसे अटैच करने से पहले हम पॉकेट को रेडी कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक को कट कर लिया है। अब हम इसके साइड्स में सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने से पहले आप इस तरह से पॉकेट का शेप ड्रॉ कर सकते हैं ताकि आपको सिलाई लगाने में आसानी हो। पॉकेट रेडी होने के बाद हम इसके ऊपर फ्लैप को इस तरह से रखेंगे और ऊपर से सिलाई लगा देंगे। अब ऊपर का जो पीस है उसे इसके ऊपर इस तरह से रखें और यहाँ पर सिलाई लगा दें। स्टिच करने के बाद इसे इस तरह से ओपन कर दें और इसके ऊपर भी 2 लाइन के स्टिचेस लगा दें। अब सेम तरीके से दूसरे साइड को भी रेडी कर लें, साथ ही बैक पीसेस को भी इसी तरीके से जॉइंट कर दें। अब फ्रंट में जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था उसे इस तरह से फोल्ड करें। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर एक स्ट्रेट सिलाई लगा दें।
सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा दें ताकि हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर सकें। अब इसे अंदर की तरफ पलट दें और यहाँ पर एक सिलाई लगा दें। इसके बाद इसके किनारों पे भी एक स्ट्रेट सिलाई लगा दें। सेम तरीके से दूसरे साइड को भी रेडी कर लें। अब बैक पीस के ऊपर फ्रंट पीसेस को इस तरह से रखें और शोल्डर्स को जॉइंट कर दें। शोल्डर्स को जॉइंट करने के बाद नेक एरिया को इस तरह से मेजर कर लें। अब नेक के लिए मैंने यहाँ पे कॉलर का पैटर्न कट किया है। तो यहाँ पर मैंने नेक की लंबाई ली है जो कि है हमारा 14 इंच और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 3 इंच। अब फैब्रिक को दो लेयर में रखें और इस पैटर्न को रख के कट कर लें। साथ ही साइड्स में 1/2 इंच एक्स्ट्रा लें सीम अलाउंस के लिए। अब दोनों फैब्रिक के राइट साइड को एक साथ रखें और स्टिच करने से पहले एक लेयर के नीचे के हिस्से को इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर दें। अब नीचे के हिस्से को छोड़कर इसे हर तरफ से स्टिच कर दें। स्टिच करने के बाद कोनों को इस तरह से काट दें ताकि इसे फोल्ड करने में आसानी हो। अब इसे पलट दें और कोनों को अच्छे से निकाल दें। तो कॉलर हमारा रेडी है। अब हम इसे नेक में अटैच कर देंगे। अब कॉलर में जो यहाँ पर हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम नेक में इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद ये जो हमारा दूसरा लेयर है इसे यहाँ पर जो सीम अलाउंस का फैब्रिक है उसे ओवरलैप करते हुए सिलाई लगा दें। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दिया है और अब कॉलर हमारा अटैच हो चुका है। अब इसके साइड्स में भी दो लाइन के सिलाई लगा दें जैसे हमने पूरे जैकेट में लगाया है। तो अब कॉलर हमारा रेडी है। अब हम स्लीव्स को रेडी करेंगे। अब स्लीव्स के पीसेस को भी इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। तो इन दोनों पीसेस को इस तरह से रखें और यहाँ पर सिलाई लगा दें। अब इसे पलट दें और इसके ऊपर भी डबल लाइन की सिलाई लगा दें। अब इन दोनों को अटैच करने से पहले या इन दोनों में जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था उसे इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच कर लें। स्टिच करने के बाद इन दोनों फैब्रिक को इस तरह से रखें और यहाँ पर सिलाई लगा दें। ये वो वाला पार्ट है जहाँ से हमारा कफ ओपन होगा। तो अब इसे इस तरह से फोल्ड करें और यहाँ पर एक सिलाई लगा दें। सिलाई लगाने के बाद अब इसे उल्टा पलट दें। हमें दूसरे साइड में भी डबल लाइन की सिलाई लगानी है इसलिए मैं इसे दूसरे साइड में फोल्ड करने के लिए यहाँ पे छोटा सा कट लगा रही हूँ ताकि हम दोनों को सेम साइड में फोल्ड करते हुए डबल लाइन की सिलाई लगा सकें। तो इस साइड में भी मैंने दो लाइन की सिलाई लगा दी है। अब यहाँ का जो फैब्रिक अनइवन है इसे हम पहले ट्रिम करके इवन कर लेंगे। सेम तरीके से मैंने दूसरे स्लीव को भी रेडी कर लिया है। अब हम दोनों स्लीव्स को जैकेट में इस तरह से अटैच कर देंगे।
मैंने दोनों स्लीव्स को अटैच कर दिया है। अब साइड्स को अपने फिटिंग के अनुसार स्टिच कर दें। अब हम स्लीव्स में एक कफ अटैच करेंगे। तो जिस तरीके से हमने कॉलर अटैच किया था, अब बिल्कुल सेम तरीके से कफ भी अटैच कर सकते हैं, या फिर आप दूसरे तरीके से भी अटैच कर सकते हो, जैसा मैंने वीडियो में दिखाया है। मैंने कफ को अटैच कर दिया है और ये अब कुछ ऐसा लगेगा। अब जैकेट के हिप बैंड के लिए मैंने जीन्स के ही हिप बैंड का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मेरे पिछले वीडियो में मेरे किसी व्यूअर ने मुझे सजेस्ट किया था कि मैं हिप बैंड के लिए जीन्स के ही हिप बैंड का इस्तेमाल करूं, तो इस वीडियो में मैं वही कर रही हूं। इसे आपको अलग से हिप बैंड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और सच बताऊँ तो ये काफ़ी अच्छा टर्न आउट हुआ, तो आप भी ट्राई कर सकते हो। तो हिप बैंड मैंने अटैच कर दिया है और अब ये कुछ ऐसा लगेगा। अब इस बटन को मैं रिमूव कर दूंगी। अब बस हमें इसमें बटन होल्स बनाने हैं और बटन अटैच करना है, और अब हमारा जैकेट रेडी है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए। साथ ही बेल बटन को भी हिट कर दें ताकि मेरे फ्यूचर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूंगी आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।